बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पीटीआई की डिवीज़न, आप बताएं खुद अपने। वुमेन डिवीजन से मसला के ऊपर हूँ मैं और हमारी पोलिंग हो रही है। मेरा खुद का भी वोट था लतीफाबाद चार नंबर में, मैं लेके आ रही हूँ बिल्कुल। लेकिन देखिए, इंसाफ नहीं होता यहाँ। इन लोगों के अदारे जो हैं वो इनके हाथ में, इनके गुलाम हैं। पुलिस भी आ जाती है उसके अंदर, ये कह देते हैं कि ना बदअमनी हुई है, भगदड़ हो गई है, पोलिंग रोकी जाए। उस जब पोलिंग रोकते हैं ना, तब ही अंदर जाके वोट डाल के आती है इनकी पुलिस, जो इनके साथ है, जो इनके मातहत काम कर रही है। खुद इन्वॉल्व है, खुद इन्वॉल्व बिल्कुल होते हैं, 100% मैं कहती हूँ होते हैं। अगर ये फेयर इलेक्शन कराए ना, तो इनका बाप भी नहीं जीत सकता है। अभी कौन डीआरओ साहब आए थे, अभी डीआरओ साहब आए, डीआरओ साहब आए मैडम, और वो कह रहे हैं कि ना कि मेरे बस में कुछ भी नहीं है। सबके बस में सब कुछ होता है। इससे पहले हमारी जो अल रहीम शॉपिंग सेंटर पे थी, आर ओ ने रातों रात हमारा जीता हुआ इलेक्शन, हमने खुशी मना ली, जश्न मना लिया, रिटिन में लिख के दे दिया। फिर उसकी रिकाउंटिंग हुई और रात ही रात में बोकस वोट सारे हमारे बैग को पड़े। क्यों भाई, बोकस आपके तीर पे क्यों नहीं थे, सारे हमारे ही लोगों पे थे। तो हर चीज़ क्लियर है। मेरा बयान भी गया था जिसपे इन्होंने धमकी वाले मुझे फ़ोन भी किए, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। जो सच है वो मैं लिखती रहूँगी और बोलती रहूँ। अभी ये जो यहाँ पर पोस्टपोन हुए, पोस्टपोन तो कहती है, लेकिन वो सिर्फ शर्मानी हुए हैं। और जो है अभी यहाँ पे आपने देखा कि तीन मोबाइल पुलिस की आई हैं और कुछ कारिंदे जो है पीपल्स पार्टी के आए अंदर वोट डालने के लिए। सब जगह वोटिंग जो है रेगुलर चल रही है। डिस्ट्रिक्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और यही देखा जा रहा है, हम वोट लगा रहे हैं। और इन लोगों के मैंने रिश्ते चेक किए हैं, कोई खास वोट नहीं पड़े। मैं अंदर जाके बकायदा रिश्ते देखे खास वोट नहीं पड़े। रात को जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये देखिए, अदारे इनके साथ सारे मतलब चीज़ें जो पुलिस वगैरह जो भी इधर होल्ड कर रहे हैं सब चीज़ें। और वो पुलिस से बात हुई है तो वो तो कह रहे हैं कि सर हम बड़े जब ऊपर से ऑर्डर आएगा वही करेंगे। ऊपर से ऑर्डर किसका? वो भी जानते हैं, थोड़ी गवानी है, समझ सकते हैं कि सरदार साहब का ऑर्डर है, प्रयाग तालुक का ऑर्डर है, वही ऑर्डर। देखिए, क्राफ्ट टोले को हमें यूनिटी तैयार करके ही बुलाना। हम जब हमें यूनिटी होगी, हमें दराड़े नहीं पड़ेंगी, हमें ऐसे चीटर लोग जो हैं वो नहीं होंगे, तो हम यूनिटी में इनको हरा सकते हैं। अच्छा, यूनिटी में पावर होती है, पावर होती है। वफाक में पंजाब में मैंने देखा है, फिर भी पीटीआई काफ़ी कल की यस्टरडे